ये गोभी की सब्जी बनाई हूँ। देखिए कितना टेस्टी और स्वादिष्ट। इस तरह से एक बार गोभी की सब्जी बनाएं और खाएं। तो आइए इस रेसिपी को मैं शुरू करती हूँ। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू। आज बना रहे हैं गोभी की सब्जी और बिल्कुल अलग तरीके से बना रहे हैं। तो आइए देखिए, सभी को मैं काट लेती हूँ। तो सभी को काट ली हूँ, गोभी को धो लिए हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट भी तैयार कर लिए हैं, प्याज काट लिए हैं, टमाटर भी काट लिए हैं। तेल गर्म हो रहे हैं, इसमें तेल गर्म हो चुका है तो इसमें डालेंगे तेजपत्ता, थोड़े से प्याज डालेंगे। प्याज को गुलाबी होने तक पकाएंगे। चलिए एक बर्तन लेते हैं, ठीक है। अलग तरीके से बना रहे हैं तो सबसे पहले मैं इस बर्तन के अंदर गोभी को रखते हैं। इसमें प्याज डालें, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें, आधी चम्मच मिर्च है, एक चम्मच हल्दी है, तो इन्हें भी डाल देते हैं। और ये धनिया है 2 चम्मच, तो इन्हें भी डाल देते हैं। गरम मसाले को नहीं डाले हैं क्योंकि उसे मैं बाद में डालूंगी। इसमें खाद्य तेल, जो भी तेल आप खाते हैं उसे थोड़ा सा डालें। और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। सभी मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर दिए हैं। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो गए सभी मसाले। प्याज हमारा पिंक कलर का हो चुका है, इसमें डाल देंगे। और इसको गलने तक पकाएंगे। ये ढक के पकाते हैं। इसमें नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार। ढक ढक के पकाते हैं। अब इसमें डालते हैं टमाटर। टमाटर को गलने तक पकाएंगे। तो पकाते हैं टमाटर को गलने तक। इसमें गरम मसाला डाल देते हैं। फिर 2 मिनट के बाद खोल के देखेंगे। तो टमाटर भी गल चुके हैं। और गोभी भी गल चुका है। बिल्कुल आराम से कट गया है गोभी।
हमारा गोभी भी गल चुका है बिना पानी का। इतनी टेस्टी और स्वादिष्ट गोभी की सब्जी खाएं। और ये थोड़ी सी हरी धनिया डाल देते हैं। तो चलिए सर्व कर लेती हूँ। तो सर्व कर लेते हैं। पराठे के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो इस तरह से बनाएं और खाएं। अगर हमारी आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।